से जाएं, जिस शान से आए थे उसी शान से जाएं। यह है एक शेर के अंदर मोमिन की आरजू है, ये हर ईमान वाले की ये आरजू होनी चाहिए और होती है। लेकिन भाई मुश्किल तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस मंजिल को हासिल करना कि जब इस दुनिया से आदमी जाए तो एक ऊंची शान के साथ जा रहा हो, इसलिए मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल हो कि जिसके रहबर वो ज़ात हो, वो ज़ात मुकद्दसा हो, जो इमामुल अंबिया भी हो, रहमतुल आलमीन भी हो, दोनों जहान का सरदार भी हो, जिसका रहबर जिस इंसान को वो हो, तो मुझे बताए वो कैसे नामुमकिन है कि उस शान के साथ ना चला जाए। वही लोग नाकाम हो सकते हैं और होते हैं हमेशा कि जो अपने रहबर की बताई हुई बातों पे नहीं चलते, जो अपने रहबर के रास्ते को छोड़ देते हैं, अपने गाइड के रास्ते को छोड़ देते हैं, किसी हालत में भी लोग कामयाब नहीं होते। और वो कभी नाकाम नहीं होते जो अपने रहबर की बताए हुए असूलों पर और उसको बताए हुए चीज़ों पर अमल करें तो वो लोग नाकाम नहीं हो सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शान से जाने के ये नहीं कि रास्ता हमने नहीं बताया, सुभान अल्लाह, आपने तो बताया हमें रास्ता। वजह यह है, अल्लाह ना करे कि नाकाम हो, कि हम आप सब संग के उस बातों पे अमल नहीं कर रहे होंगे, उस रसूल पे अमल नहीं करेंगे, तभी नाकाम हो सकते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके बताए हुए अमल पर आदमी अमल करे, बताए बात पर अमल करे, तो ये कैसे नामुमकिन हो सकता है इंसान शान के साथ ना जाए इस दुनिया से। सहाबा करम मौजूद थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबकुल मुफरदून, सबकत ले गए वो लोग, पर इसने फरमाया सबकुल मुफरदून, जो मुफरद थे। तो सहाबा कराम ने फौरन पूछा, कीला मुफरदून या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये सबकत लगाने वाले कौन लोग होंगे, क्या अमल होगा उनका, कौन होंगे मुफरदीन। खास अमल की तरफ इशारा था ताकि हम भी वो अमल करें जो आप फरमा रहे हैं, तो हम भी सबकत लेने वाले में हो जाएं। सुभानअल्लाह, तो ये पूरी उम्मत के लिए पैगाम था ही नहीं। सबकत से मुराद जी के भाई सुभानअल्लाह, उस वक्त जब तमाम लोग हिसाब किताब में फंसे होंगे तो सबकत करने वाले जन्नत में पहुंच भी चुके होंगे, वो तो जन्नत में बैठे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हमें कोई तकलीफ भी हुई है, कुछ पता भी चला है। बल्कि ये है हदीस में तो आता है कि सबसे सख्त वक्त होगा जो हश्र का, सबसे सख्त तरीन वक्त होगा हश्र का मैदान जो होगा, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नज़े पर होगा, और एक दिन की मियाद जो बताई है वो तो पता नहीं कितने हज़ार साल हो गया, आदमी गुम होंगे। उस वक्त तो सबकत करने वाले लोग होंगे जिनको अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि तुम सबकत कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कितनी बड़ी गाइडेंस, या वहाँ अंधा बहरा आदमी सब अपने ख़त्म कर सुने ही ना बात, तो फिर किस चीज़ की तमन्ना कर सकते हैं। इशारा तो बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब ये हालात होंगे रोज़े हश्र के अंदर, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके अंदर भी तुम सबकत ले जा सकते हो, वो यहाँ फंसे होंगे और तुम्हारे लिए वो दिन ऐसा होगा जैसे कि आँख पलक झपकती है तो इतना इतना दिन होगा तुम्हारे लिए। यही तो सबकत है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे कैसे अल्लाह पाक ने हमें चांस दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर दुनिया में रोज खबरें सुनते हैं, ये आज वो फलां मर गया, आज फलां मर गया, आज फलां मर गया, बस दुआ करके हम समझते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। कोई दुआ शुआ भाई, असल चक्कर तो ये है कि हम लेके क्या जा रहे हैं, हमारे पास है क्या, हम कब जिस मंजिल पे जा रहे हैं जो 70-80 साल हमें दिए थे, उसमें से किसी एक बात भी अल्लाह के नबी सुन के हमने मानी या नहीं मानी, ये दुनिया के चक्करों में फंसे रहे, इसी में खुश हो जाएंगे इतना मजमा था, दुआ हो गई और ख़त्म हो गया, फलां हो गया, इतने कुरान पढ़ लिए। बाद लोग तो मानते भी नहीं इसका स्वभाव जाता, ये भी तो है ना, फिर कभी ऐसा भी तो है ना, इख्तलाफ पैदा कर दिया इस पर लोगों ने। तो असल चीज़ तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मुफीद चीज़ है कि बाद में ये साले स्वभाव होता रहे, कुरान का होता रहे, सदकात का होता रहे, पहुँचता है तो इसमें कुछ नहीं। चीज़ तो वो है जब इंसान खुद जा रहा हो, उसका माल दौलत हो, तो ऐसे ही है ना कि जैसे भाई आप सफ़र कर रहे हैं तो आप जेब में कोई पैसा रख के जी उधार ले लेंगे उससे, मेरा बेटा है कोई परवाह की बात नहीं है, वो वहाँ जाए तो बेटे के ताला लगाओ आगे, फिर कहाँ जाएंगे। बेहतर नहीं कि जेब में कुछ पैसे डाल के आदमी जाए, अगर ताला लगाओ तो किसी होटल में तो ठहर जाए आदमी जाके, वहाँ उधार मांगते फिर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्वाब पहुँचाती हैं, पहुँचती हैं, कुरान का स्वाब जाता है, अल्लाह करे ऐसे लोगों को दोस्तों को छोड़ के जाए जिस पाप पहुँचाए। लेकिन अगर ना पहुँचाए फिर इसी भरोसे बैठ रहे आदमी, इससे बेहतर यह है कि अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं उसको सुन ले आदमी, उस पर अमल करे। कितनी बड़ी बात बताई, छोटी सी बात सबकुल मुफरद फौरन साहबा ने कहा कौन लोग क्या अमल है, इतनी चीज़ों से निजात हो जाएगी, अजाब कब्र से, जहन्नुम से, हशर से, ये तमाम मामला से निजात हो के एकदम जन्नत में आदमी पहुँच जाएगा। अब आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मैं सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा, हजारों लोगों तक पैगाम पहुँचा ही नहीं पहुँचा, करोड़ों तक लोगों ने सुना नहीं सुना, कौन है जो करने वाले होते हैं बातें सुनने। हाँ जी ये तो फना तो बस किस्से कहानी बहुत है हमारे पास बहुत, नहीं हिम्मत नहीं है, शैतान ने नफ्स ने इतना जकड़ा हुआ है कि वो निकलने देता जो हमारे रहबर हमें बता रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए तशरीफ लाए इस दुनिया के अंदर कि हमें जहन्नुम से बचाकर जन्नत में ले जाए, और जन्नत में ऐसे ले जाए शॉर्टकट से कि पता नहीं चले आदमी को, ये नहीं कि बड़े ऊंचे रास्ते से लेके जाएंगे, वो तो इमाम लंबी हैं, छोटी मोटी बात थोड़ी है। उस वक्त ऐसा आ जाएगा तमाम अंबिया आपके पीछे लगेंगे कि जी कुछ कर दें सिफारिश हमारी भी, उसकी उम्मत है। कितने महलों में जमाना है इंसान के, जब इंसान अपने रहबर को छोड़ देता है, रहबर दर रहबर को छोड़ देता आदमी भटक जाता है, याद रखें। जिसका रहबर ही कोई ना हो, लीडर ही कोई ना हो, वो क्या करेगा, और जिसका लीडर हो अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी आ रही हो
اس گھنٹی کے ساتھ اللہ کا فضل سے وہ آدمی اس کو پکڑ لے, دونوں اس کے ساتھ چلے, الحمدللہ رستے پہنچ جاتا ہے. اس چیز کی ضرور پڑتال کیا کریں کہ ابھی بھی ہم نے نفس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا, رہبر بنا لیا, لیڈر بنا لیا, پھر بھی نفس کے پیچھے. یار یہ تو کوئی بات نہیں بنتی, افسوس کی بات ہے تو بہت کہ لیڈر بنائے کس لیے, پھر رہبر رکھا کیوں ہے؟ جب ماننی اپنی ہے, چلنا اپنے نفس پر ہے, سننا اپنی بات نہیں تو پیچھے کیوں لگے اس کی سوچنے والی بات ہے. تو خود دھوکہ دے رہے آدمی اپنے آپ کو, فائدہ کچھ نہیں اس کا. اللہ نے جب کو رہبر دے دیا, گائیڈ دے دیا, بس الحمدللہ آدمی زندگی کو مختصر کرے اور جو وعدے آ رہے ہیں اس چیز کے اس کو حاصل کرے. گھبرانے کی فکر کی ضرورت ہی کوئی. اللہ نے کیسی کیسی تعریفیں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, مجھے بتائے کیا کیا مقام دکھائے ہیں قرآن نے. ہے کسی نبی کا مقام الحمدللہ جو ایک ہی رات میں چیرتا ہوا آسمان کو پہنچتا 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 ایک دم پہنچ جائے اللہ کے دربار میں. کیسے کیسے مقامات دیں گے تو یہ تو جھلکیاں دکھائی ہیں نبی پاکوں کی. میں کہتا ہوں اصل مقام تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ہے ابھی, مت اللہ نے اپنے پاس ہی پوچھتا رکھیں کہ آپ کے ذات گرامی کیا تھی, نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں نہ عقل پہنچ سکتی ہے وہاں تک. تو وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ کم از کم مان جائیں کہ یہ بہت عظیم لیڈر ہے تمہارا, بہت بڑا رہبر. اس کی باتوں کو سمجھو, آج کی اس بات کو کیا ہے پڑھ لے باندھ لے آدمی, کوئی ہے سباقی کے ان تمام چیزوں سے سبقت لے جانا چاہتا ہے وہ الحمدللہ. تو پھر ڈرامے چھوڑ دے زندگی کے. ایک چھوٹی سی حدیث بتائی ہے, مرنا ہے مرنا, اور کل یہ وقت آنا ہے اور کل پوچھا جائے کہ پاگل کے بچے بے وقوف تجھے یہ حدیث پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی. اسی وقت تو انٹینشن کر لیتا, نیت کر لے گا کہ میں یہ عمل کرنا ہے تو تو پہنچ جاتا. آج بھی ہم اگر اتنے سالوں کے بعد بھی ہم اللہ کے حضور پیش ہو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی ہم اس عمل کو اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ پھر اس کی رحمت کیا کرتی ہے, اس راستے کو کھولتی ہے. مشکل نہیں ہے پھر, اللہ کا بالکل مشکل نہیں ہونے دوں گا. تو نے آج بھی ہمت کر لی ہے 80-90 سال کے, لیکن تیرے کان میں بات پہنچ گئی ہے اور تو روتا ہے کہ میں نے زندگی گزاری, ہٹ کمر باندھ, نیت تو کر, پہنچاؤں گا میں تجھے. دولانے کی کیا بات ہے, تیرا جان جس وقت بھی تو مرا تو نہیں نا, ابھی زندہ ہے, ابھی زندہ ہے, فکر کیا بات ہے. نیت تو کر, انشاءاللہ اس عمل کو میں تجھ تک پہنچاؤں گا اور تجھے میں ہمت بھی دوں گا تو اس عمل کو کر سکتا ہے. سبق المفردون فرمایا الحمدللہ. تو صحابہ نے پوچھا اکیلا مفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون لوگ ہیں یہ مفردون لوگ جو سب کچھ کو شارٹ کر کے پہنچ جائیں گے, سب سے آگے نکل جائیں گے. جواب سن لیں آپ, بومل آ رہا ہے, آ رہا ہے نا من, بندے کے پتر ہیں تو ہم سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو پکڑ لینا چاہیے. وہ کیا عمل آ رہا ہے, اللہ بس کر اللہ کثیر اللہ اللہ ہاں پڑھے سبحان قرآن جائے نبی پاک سن, کیا شارٹ جواب دے دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور مرد یہی وہ لوگ ہیں جو تمام سے سبقت لے جائیں گے. وہاں دروازہ الگ ہوگا ان کے جانے کا, اللہ کا فضل جانے, ہوں گے الگ ہوں گے بلند, دروازہ بھی الگ ہوگا, اس دروازے سے چلتے چلے جائیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا حساب ہے کیا کتاب ہے کیا معاملہ ہے, نکل جائیں گے. یہ دیکھا تو صحابہ کرام جناب کس لیے اللہ کے ذکر کو, اور وہ مثالیں ان کے ذکر کی اللہ صحابہ کرام کے ذکر کرنے کی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. آج ہم ان حدیثوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں, شک ہو رہے جی, فسفسا رہے جی, ذکر سنتا رس لگائیں, یعنی کتنی بڑی بڑی حدیثیں پڑھیں, یہ شخص ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے, پتہ نہیں یہ بدعت تو نہیں ہو رہی, جی فلاں آدمی کہتا ہے یہ تو فلاں ہو جاتا ہے, یہ تو پتہ نہیں صحیح. یاد ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب اس پر اتر رہے ہیں, اللہ اسے سخت جی ناراض ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی بتا دیتا ہوں کیا ہے. یہ نہیں کہ پاس مال نہیں ہوگا, دولت نہیں ہوگی, اولاد نہیں ہوگی, مکان نہیں ہوگی, گاڑی نہیں, یہ معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کا ناراض ہوتے ہیں, جس پہ عذاب ہوتے ہیں, جس پہ مصیبتیں مسلط کی ہوتی ہیں, اس کی آشائش چلتی رہتی ہیں, اس کا کیا نشانی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہے, ذکر دل سے وحشت پیدا کر دیتا ہے, بگا دیتا ہے, بیٹھنے نہیں دیتا, سستی کرا دیتا ہے, تسبیح نہیں اٹھا سکتا, نیند آنے لگتی اس کو, ساری دنیا کے وہ کام کر سکتا ہے,
सारी रात जगा लो उसको एक कप के ऊपर गपे मारेगा आपके साथ, डब्बा उसके सामने लगा दो, उसमें लगा दो ड्रामे, सारी रात बैठ के सुनता रहेगा कवालियों चीजें खूब सुनेगा, सब कुछ कर सकता है अजाब अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला उससे इतने नाराज होते हैं कि तू अजाब है कि तुझे तेरे मुंह पे मैं अपना नाम ही नहीं याद दूंगा, तस्वीर नहीं पर क्यों, कि ये तो वो रास्ता है जो तुझे यहां से आगे ले जाएगा, तुझे जन्नत में ले जाएगा। तो जाहिर उस शख्स से जो जिसको आप हम देखें खुद अपने पे कैफियत तारी हो जाए इंसान पर, कि जिक्र से उसको भागने का दिल कर रहा है, जिक्र छोड़ने का दिल कर रहा है, वसवसे आ रहे हैं, बहाने आ रहे हैं, फजूल बातें आ रही हैं जहन में, एक तरफ मजलिस हो रही है, एक तरफ वो भागा जा रहा है मजलिस को छोड़कर, या कभी उधर निकल रहा है कभी इधर निकल रहा है, दिल में घबराहट आ रही है अल्लाह के जिक्र से, समझ जाओ अल्लाह से नाराज हो गया। इसका इलाज बता दूंगा मैं आपको, अगर ये कैफियत तारी हो जाए बाकी दुनिया के काम सब चल रहे हैं, काम पे भी जा रहा होगा, दुकान भी कर रहा होगा, बीवी के साथ भी लगा होगा, सब काम उसके चल रहे होंगे, लेकिन जहां जब अल्लाह का जिक्र की बारी आएगी तो बस यार बड़ी मजबूरी है, चल नहीं सकता, दिल नहीं कर रहा, फलान, उसका दिल ही नहीं चाहेगा कि मैं इस काम पे जाऊं। अब कोई से बात भी करेगा कहने जी क्या जी हम ये काम तो कर रहे हैं, फलां तो कर रहे हैं, जी भी तो हो रहा है, सब कुछ सही है, यहां बात तो जिक्र की कही जा रही है, इनाम तो जिक्र के बताए जा रहे हैं इस वक्त, क्या बात सही है, तो ये सब पता लग गया। फिर उनके पास तो बहुत कुछ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, देख रहे उनके पास तो अल्लाह ने एक असर ही दिया था, उसको तो सल्तनत दी थी, काम क्या आया, असा है ना, असा मारा समंदर पे तो फट गया, आप निकल गए, और वो अपनी फौज निकले, जब वो फौज लेकर अंदर गया पानी अंदर हो गया डूब गया। ये जो चीजें हैं ना बनावटी है सारी, ये आसाइशें, ये मकान, ये दुकानें, ये कारोबार, ये सब सब बनावटी चीजें हैं, ये परेशानी है दुनिया की, थोड़ी थोड़ी परेशानी पे आदमी फाकर हो जाता है, मैं अब क्या होगा, फला हो गया, मर गया, लुट गया, ये नहीं हो रहा मेरा, फला नहीं हो रहा, सब ये आर्जी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी पे शैतान पर्दा डाल देता है और वो है अजाब कब्र। एक सेकंड आदमी बर्दाश्त कैसे कर जाएगा मुझे बताएं आप, कि इतनी एक छोटी सी जमीन खोद दी जाए, जमीन खोद के अच्छा डूंगा खोदा जाए, खोद के एक आदमी को पकड़ उसमें डाल दिया जाए, वो जिंदा है, मुझे आपके डालने मुझे बताएं हाल क्या होगा, जब डालेंगे तो चीखेगा नहीं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चीखता ही नहीं, मैं अगर अभी पकड़ूं किसी को और उसको जमीन में डालने लगूं उसकी आवाज निकलेगी नहीं निकलेगी, चीखेगा नहीं किसी का, पुकारे इसी तरह पुकारता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी समाध को बंद कर देता है कि तेरी आवाज जा ही नहीं सकती, सुभान अल्लाह, चाहे तो उसकी आवाज पहाड़ों से ऊंचे पहुंचा दे अल्लाह ताला इंसान की, लेकिन उसकी आवाज बंद करे तो फिर सामने खड़े वाले भी नहीं सुन सकता, लेकिन कह रहे बचाओ मैं मर गया, मुझे कहां छोड़े जा रहे हो अल्लाह, ये मिट्टी, अभी खैर मिट्टी के बाद आगे क्या काम होगा, मेरे साथ आपके साथ ये काम होगा, अभी तो कदम ही हटेंगे फिर सांप निकलना शुरू, दीवारों से सांप रस देर निकलना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह माफ करना हस्बुल्ला, ये हमारा ठिकाना है, उधर फिर हदीस याद आएगी, सुभान अल्लाह, सबक मफरत, एक पुकारने वाला पुकारा था आओ अल्लाह के जिक्र का फला पाओ, इस मुकाम पे जहां तुम जा रहे हो जिसको तुमने छोटा समझा था ये असल मुकाम था, ऐसे कैसे बच सकता है, सच्चे दोस्तों गलत बताया, बाईपास कर जाते हैं इन बातों को कि हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है, खुदा की किस्म हाथ उठाकर दुआ यही करनी चाहिए, जिस शांत है ऐसे उसी शांत चल जाए तब है जिंदगी इंशाल्लाह, शान किस शान से बंदा है बताए, क्या शान थी उसकी, उसकी शान ये थी कि जब बच्चा मासूम होता है सबसे पहले उसका कौन सा जुज बनता है, मेडिकल आप देख रहे हैं, उसका हाथ नहीं बनता, गुर्दा नहीं बनता, पत्ता नहीं बनता, आंख नहीं बनती, कान नहीं बनते, सबसे पहले जो चीज उसकी बनती है वो दिल बनता है, बोले सुभान अल्लाह, और कैसे पहचान जाता है बच्चा जिंदा है कि दिल उसका कर रहा होता है अल्लाह 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 कर रहा होता है, कहते हैं बच्चा सही है जिंदा चल रहा है, उसी को देखते हैं लोग, जिस शान से हम आए तो उस शान से जाएं, हम आए जिक्र करते हुए और जिक्र करते हुए कब्र में जाएं, मजा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जब आए थे अल्लाह और जब जा रहे हैं वही शान होनी चाहिए कि जिक्र के साथ आए और जिक्र के साथ चले गए, तो फिर क्या होता है, जब हम आए थे तो लड्डू बके लोगों को तारे चीजें बटी, हकीका हुआ, गोश खाया, उसको अगर एक बेटा था तो उसके तो
परफ्यूम बढ़ती रही, क्या कुछ तो फला फला निशा और चीज़ें आती रहीं। याद करें जब आपके पहला बेटा हुआ क्या किया होगा आपने, जो आप जूते मारते हैं क्या किया पहला बेटा हुआ, कितने शो मारे थे फला ये और तारीफें की थी, सब किया था ना, शान थी ना, शान के साथ आया था ना, मजा आया कि जब जा रहा हो तो फिर कौन शान लड्डू बांट रहा हो, फरिश्ते बांट रहे हैं उससे वहां, ये कुरान बताता है, फिर फरिश्ते लड्डू बांटेंगे, आ गया जवान वापिस आ गया कामयाब हो के आ गया, 60 साल तक रहा वहां अल्हम्दुलिल्लाह, खूब इसने मेहनत की, आज ये कामयाब हुए अल्लाह के दिए जो ड्यूटी थी उसका पूरा किया, आज लड्डू बांटो इसके नाम पे, तो शान वही शान या नहीं शान, तो जिक्र अल्लाह का बहुत बड़ी चीज है। हज़रत गंगवी रहमतुल्लाह कुतुबुल अक़्ताब देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने चीज को पकड़ लिया, कौन लोग हैं ये जिन्होंने इस चीज को पकड़ लिया, हदीस सुनी सुनाई और अमल भी किया, बोले सुभान अल्लाह, ये नहीं सुनाने तक महदूद नहीं रहे, सुनने तक महदूद नहीं रहेंगे, सुन ली भाई हमने किताब पढ़ ली फिर सुना भी नहीं, नहीं बल्कि क्या सुनी भी पढ़ी भी और सुनाई भी और अमल भी किया, वो कौन बन गया, वो गंगवी रहमतुल्लाह बन गए, ऐसे इंसान बने, वो कहते हैं सुनो तायद फरमा रहे हैं हदीस से, दिन कितनी बड़ी बात फरमा रही इसी हदीस पर, या सुनो जिसने जिसने अल्लाह अकबर अपने किसी उजू को, उजू समझते हैं जिस्म के हिस्से को अल्लाह के जिक्र से जारी कर लिया, जिस मर्द ने औरत ने, जिस मर्द औरत का कोई हिस्सा भी, कोई हिस्सा तो एक ही है, अल्लाह के जिक्र से जारी हो गया तो रोजे कयामत के अंदर उस हिस्से की वजह से सारे हिस्से जो जिस्म के उसके होंगे सारों को जहन्नुम की आग से बचा लिया जाएगा। ये हाथ गंगवी रहमत तजिबा फरमा रहे हैं, अब रुको हदीस का इशारा है, अल्लाह ने कश्फ करते हैं इनको बताते हैं, एक हिस्सा जारी हो गया एक, और ये काम कहां शुरू होता है, सबसे पहला काम जो करता है नक्शबंदी काम वो क्या होता है, उसके कल्ब को जारी करवा देता है। आप ये देखो हजरत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इंसान थे, दावा किया उन बात सिलसिला आज नक्शबंदी का ये कमाल है, आप फरमाते हैं ये भी वही थे जिन्होंने देख लिया सब कुछ अमल किया, कहते सिलसिले आलिया नक्शबंदी का कमाल है कि जहां लोगों की इंतहा होती है उसकी इब्तदा होती है, वही सब कुल बफरदून कि जो लोग खड़े होंगे और वो निकल भी चुका होता है नक्शबंदी, क्यों कि हदीस साबित कर रहे हैं उसके एक, अल्लाह कहे कि हमारे सारे होना तो यही चाहिए हम नक्शबंदी बने तो वो नक्शबंदी सारे फजाइल ने, सारे फजाइल ने जितने असकार हैं वो सब हमारे अंदर आ जाएं, सारी लताइफ हमारे जा रहे, उस पर खूब मेहनत करें, अपने शेख को चिमटें जो तरीका है यहां से हासिल करने, उस पर एतकाद जमाएं, उसके उसके पीछे भागें, जिंदगी को जाया ना करें, सब कुछ हासिल करना है, तब किसी से कोई हासिल करता है आदमी तो मेहनत करनी पड़ती नहीं पड़ती, नहीं जी हमारी मर्जी होंगी तो आएंगे, हम मर्जी जाएंगे, हम बैठेंगे तो बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, ऐसे आदमी बंदरों को क्या मिलता है, मियां मिला है ऐसे, उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस चीज को हासिल करने के लिए कैसे मुजाहिदा किया, कैसा मुजाहिदा किया, एक ही मुजाहिदा था, अपने शेख की दामन को नहीं छोड़ा, सहबत को नहीं छोड़ा, बर्बाद हो गए जिंदगी लुटाई अपनी, ऊपर मिलता है वहां से सपोर्ट, ना एतकाद है हमारे, ना मोहब्बत है, ना हमारी कोई मेहनत है, ना कुछ है, ना ना शौक है, ठीक है फिर नतीजा तो बहुत खतरनाक है उसका, बहुत खतरनाक नतीजे हैं बता रहा हूं आप, कुरान उठा के पढ़ लिया करें, दोनों पहलू को कुरान दिखाता है, एकदम करता है तो जन्नतों की बातें करता है और एकदम अल्लाह जब दूसरी तरफ आता है तो जहन्नुम के वो चीजें बताता है कि आदमी के जिस्म कांप जाते हैं, जकूम कैसा कैसा पीप का पानी पिलाया जाएगा, खून का पानी पिलाया जाएगा, जहन्नुम के किस हिस्से में उनको रखा जाएगा, उनकी चीखें पुकार कुरान बताते हैं उनके साथ हालात क्या होंगे, कितनी गंदी गंदी चीजें उनको पिलाई जाएंगी, कैसे कैसे अजाब उनको दिए जाएंगे, उनके सरों के ऊपर आग उबलेगी, जिससे आग उबलती है, फिर उस दूसरे पर अल्लाह ताला यही बताता है कि शायद हमें शऊर आ जाए कि उस जन्नत को हासिल कर लें और जहन्नुम से हम बच जाए, तो अल्लाह के नबी इशारा फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह, तमाम साहबों में बैठ के उम्मत की तरफ इशारा फरमाया, सब कुल फुर्रतुन, बताओ कौन सी कौम होगी, क्या अमल उनका होगा कि सारी
ساری دنیا سے آگے نکل جائیں گے آپ حشر کے میدان میں, اور جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے وہاں بھی حساب کتاب ہو رہا ہوگا. صحابہ کرام چیخو گے کیلا وہ مفردون یا رسول اللہ وسلم, ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والے عورت ہیں. یہ تماشا سمجھا میں نے کہ پیری مریدی کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں, کشف کرامات کے لیے ذکر کر رہے ہیں, ہمارے کام چل جائے ہم اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں, جنات کو قابو کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے بندے ذکر کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر. مجھے پتا وہ ذات ہے خالق حقیقی کہ جس کو راضی کرنا کوئی آسان چیز, مجھے بتایا ہزاروں جان بھی قربانی ہو جائیں اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ہسٹری ہے, حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں مجھے بتایا, کیا ان کا جو آقا تھا ان پہ ظلم ڈھاتا تھا کہ تو چھوڑ آگ میں ڈالا, جسم پتھر رکھے, بالو کھیتوں پہ ریتوں پہ لٹایا, جسم پہ کوڑے مارے, ایک ایک حصے کو کاٹ کے رکھ دیا, کہتے جو کچھ تو کر لے زبان سے احد ہی نکلے. اس نے کیا قصور کیا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں جی ہمارے مکان بھی ہوں جناب, ہماری دکانیں بھی چل رہی ہوں, ہمارے مال بھی ہوں, ہمارے بچے وہاں سامنے کھیل رہے ہوں, اور ہمارا یہ بھی ہو ہمارا وہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ پھر ہم نماز پڑھیں گے, ہو بھی جانا وہاں ہماری ذرا نرم نرم ہونی چاہیے گدی والی, روز جان نماز کے سائز ہی بڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک آ جائے میں آ گئے یہاں تک, تھوڑا تو مجھے لگتا ہے سیڑھی کے ساتھ جان نماز پہ جانا پڑے گا, اتنے گدے بڑھاتے جا رہے ہیں اس میں کہ بھائی بس نرم ہی نرم ہوتی جائے. پوچھیں بلال کا ایک سجدہ دیکھیں اور پوری امت کے سجدوں کو جمع کر لیں, تو کیا انہوں نے کیا نقصان کیا تھا بےچارے, مجھے بتایا کیوں نہیں. مقام کیا تھا کہ اللہ کے نبی زمین پہ بیٹھے ہیں ان کے جوتوں کی عرش پہ آواز آ رہی ہے, پتہ ہے کہتے کون ہے جس کی عرش جو عرش پہ گھومتا پھر رہا ہے اس وقت, ہم تب تو زمین پہ بیٹھے ہیں, یہ تو غلام کا حال تھا سبحان اللہ. تو میرے بھائی اللہ کو راضی کرنا بتایا کہ راضی کرنے کا یہ بھی ہے طریقہ, یہ تو کچھ طرح بلال کر رہے ہیں, یہ وقت بھی آ جائے تو یہ بھی کچھ وقت نہیں, اکثر اس حالت سے اگر اللہ راضی ہو جائے اتنا کچھ دینے کے بعد بھی راضی ہو جائے تو پھر بھی اس کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیا, بلال نے کچھ نہیں کیا, ابھی بلال کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا, بس اتنا مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گئے. ہمیں تو یہ بھی نہیں کہ ہم تھوڑا ذکر کرنے بھی آ جائیں, ذکر میں بیٹھ جائیں, بس ذکر مسجد سے ہمارے لیے مکی مسجد میں بڑی مصیبت نظر آتی ہے, کیسے ہیں وہاں 100 آدمی ہوں گے تو یہاں 50 ہو جائیں گے, اگر اس سے آگے چلے جائیں تو یہاں 25 ہو جائیں گے, یہ بات ہے تو کتنی بڑی بات ہے دوستو. کبھی اللہ کے ذکر کو انسان ترک نہ کرے, اللہ کا ذکر بہت ایسی ایسا راستہ بتا دیا کہ اتنا آسان ہے کہ بھائی بس ایک چیز جاری کروا لیں آپ, کتنی بڑی یعنی بشارت ہے الحمدللہ. جسم کے ایک حصے میں اگر آپ کا جاری ہو گیا تو باقی اس سے سارے اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے بری ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.